हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेहान मदर्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मखाना ड्राई फ्रूट खीर। देखिए, ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होती है हमारी सेहत के लिए और बहुत ही अच्छी बनती है। एक बार आप भी घर पे जरूर ट्राई करना कैसे बनती है, और झटपट से ये फटाफट घर में रेडी भी हो जाती है। चलिए तो हम बनाते हैं मखाना और ड्राई फ्रूट की खीर। ये देखिए, मैंने एक पैन ले लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे एक बड़ा चम्मच देसी घी। घी को हम मेल्ट करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट, इनको हमें रोस्ट करना है। मैंने लिया है काजू, बादाम, नारियल और पिस्ता। आपको और अगर ड्राई फ्रूट पसंद है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, और इनको हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भून लें। ये देखिए, हमारे ड्राई फ्रूट हल्के गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने सारे ड्राई फ्रूट एक प्लेट में निकाल लिए हैं। हमें इनको ज़्यादा नहीं भूनना है वरना कड़वे हो जाएंगे। हमें इनको हल्का सा रोस्ट करना है। ये देखिए, इसमें घी और बच गया है। अब हम इसमें भूनेंगे अपने मखाने। ये मैंने एक कटोरी मखाना लिया है। इनको भी हम हल्के गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। इनको भून लेना है अच्छे से ताकि इनका क्रिस्पीपन बना रहे, और जब हम इनको पीसें तो ये आराम से पीस जाए। ये देखिए, मखाने भी हमारे भून के रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने तक रखेंगे। ये देखिए, मैंने सारे मखाने एक प्लेट में निकाल लिए हैं। जब तक हमारे मखाने और ड्राई फ्रूट ठंडे हो रहे हैं, हम इसमें कढ़ाई में अब ऐड करेंगे दूध। मैंने 1 लीटर दूध लिया है। आप अपनी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, अब हम दूध को तब तक गर्म करेंगे जब तक इसमें एक अच्छा सा बॉयल ना आ जाए। हमें इसको चलाते रहना है ताकि तले में लगे ना। हमें दूध को चलाते रहना है। ये देखिए, दूध में हमारे में बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। जब हमारे दूध में एक बॉयल आ जाएगा तो हम इसमें 1-3 इलायची कूट के डाल देंगे। ये देखिए, मैंने इलायची भी इसमें ऐड कर दी है, और हम इसको अच्छे से पकाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे मखाने। देखिए, मैंने इनको ब्लाइंड कर लिया, मखानों को भी और ड्राई फ्रूट को भी। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे मखाने जो मैंने अच्छे से पीस लिए हैं। ज़्यादा बारीक भी नहीं करना, पाउडर नहीं बनाना है, हल्का दरदरा रखना है। ये देखिए, अब हम इसको अच्छे से चलाते रहेंगे जब तक मखाने हल्के सॉफ्ट ना हो जाएं और ये पक ना जाए। हमें दूध को गाढ़ा करना है ताकि ये बहुत ही टेस्टी और अच्छी बनती है। जितना हम गाढ़ा करेंगे दूध को, उतना ही अच्छी खीर बनेगी। देखिए, हमको इसको चलाते रहना है। मैं अब इसमें ऐड करूँगी केसर का दूध। मैंने साइड में एक कटोरी में निकाल के रखा था थोड़ा सा दूध, और उसको उसमें 5-7 रेसे केसर के डाले थे। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए, हमारे दूध में अच्छे से बॉयल आ रहा है। जितना हम चलाएंगे उतनी ही हमारी खीर बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनेगी। ये देखिए, अब मैं इसमें ऐड करूँगी चीनी। मीठा आप अपनी हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जिसको ज़्यादा पसंद हो वो ज़्यादा ऐड कर ले, जिसको कम पसंद हो वो कम ऐड करें। ये देखिए, मैंने चला रहा है। किनारों से हमें हटाते रहना है ताकि ये जो खीर है वो किनारों पे लग जाती है। वो बहुत ही टेस्टी और अच्छी बनती है, इसको हटाते रहना चाहिए। एक तरीके से खोवा मावा टाइप का बन जाएगी हमारी खीर, बहुत ही टेस्टी लगेगी। ये देखिए, चलाते रहिए। हमारी खीर अच्छे से बॉयल हो चुकी है, और देखिए गाढ़ी भी हो चुकी है। हमें इसको और चलाते रहना है। जब तक हमारी खीर बनती है तब तक आप चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है।
ये देखिए अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट जिनको भी मैंने पीस लिया था, इनको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और तब तक पकाएंगे जब तक ये ड्राई फ्रूट भी अच्छे से इसमें मिक्स ना हो जाए। देखिए हमारी खीर और भी गाढ़ी हो चुकी है, ये देखिए दूध हमारा कितना गाढ़ा हो चुका है क्योंकि इसमें सारी चीज़ें अब ऐड हो चुकी हैं, तो ये वैसे भी गाढ़ा हो गया और इसको पकते भी काफ़ी टाइम हो गया। ये देखिए हमें चलाते रहना है। आप इस खीर हमारी अच्छे से पक चुकी है और कितनी गाढ़ी भी हो चुकी है, एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करना कि खीर कैसी बनती है। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी होती है। ये देखिए कितनी गाढ़ी हो चुकी है, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसी लगी। बाय बाय।